OnePlus 10 Pro एक पावरफुल पबजी फोन माना जाता है, लेकिन मैं आज अपनी टेस्टिंग में टेस्ट करता हूं क्या ये वाला फोन सर्वाइव कर पाता है इसी प्राइस में आने वाले सैमसंग या फिर आईफोन से बेहतर पबजी परफॉर्मेंस ये वाला फोन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलता है और इसके अंदर पबजी के ग्राफिक्स क्या देखने को मिलते हैं, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें आप पबजी खेल सकते हो या नहीं, और गेमिंग में इसकी हीटिंग वगैरह कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि राज ये जिस तरह मेरी उंगली जला रहा था ना, सारा कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला। आप बस जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब एक बार इसके मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, उसके बाद हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। OnePlus 10 Pro के ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर हमें जो ग्राफिक्स सेटिंग देखने को मिलती है वो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम प्लस तक जा सकते हैं। मींस ये कि 90 FPS का गेम प्ले देखने को मिलता है, बैलेंस के साथ एक्सट्रीम पे आ जाता है ये वाला फोन, HD के साथ भी एक्सट्रीम पे और HDR के साथ भी एक्सट्रीम तक हमें ये वाला फोन ग्राफिक्स सेटिंग प्रोवाइड करता है और अल्ट्रा HD देखने को मिलता है। तो मैं स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मीन 90 FPS पे रख के खेलूंगा, कलरफुल और एंटी अलियासिंग में इसमें करने वाला हूं 2 के ऊपर। और अब जल्दी से मैं चल जाता हूं इसकी अरीना के अंदर और आपको इसका एक बार अरीना लगा के दिखा देता हूं, ताकि इसकी जो फायर कनेक्टिविटी है वो उसकी हमें आइडिया हो सके कि हमें कैसी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूं ताकि इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस की हमें समझ आ सके। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर देख रहे होंगे तो आप में को FPS लैग वगैरह कहीं होता है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ पे अरीना हमने इसमें लगा ली और आप देखते हैं कि इसकी फायर कनेक्टिविटी कैसी देखने को मिलती है और कोई लैग वगैरह तो नहीं करता। 90 FPS में खेल रहा हूँ और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो यहाँ पे अभी अभी आपने देखा एकदम से बहुत बुरा जिटर दिया था इसने, जैसे एक बार से इसके FPS 20-25 तक चले गए हों 90 FPS की जगह। बागे थोड़ा सा खेलता हूँ, देखते हैं कैसे निकल के आती है परफॉर्मेंस, लेकिन अभी एक जिटर दिया मैंने, फौरन आपको हाईलाइट करके बता दिया। तो यहाँ पर अभी तक तो इसकी गन शिफ्ट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर फायर कनेक्टिविटी की बात करते हैं ना तो वो मुझे हल्की सी कम देखने को मिल रही है, यूँ कहने के 100 में से 80-75% देखने को मिल रही है यहीं पे, अगर आईफोन्स के साथ इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो। या अभी तक अरीना में मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, ओवरऑल मुझे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं। सिर्फ बुलेट कनेक्टिविटी हल्की सी स्लो है आईफोन की निस्बत, बाकी कोई लैग वगैरह मेजर देखने को नहीं मिला। हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर देखने को मिली है, वो ये है कि डिवाइस अभी से ही मुझे हीट फील होना शुरू हो गई थी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हीट हो रही थी, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस डाउन नहीं की थी, लेकिन ये है कि हाथ में गर्म लगने लग गई थी। सो यहाँ पे इरेंगल लगा लिया मैंने ताकि असल क्लासेस मैचेस में ही पता चलता है कि डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। अब यहाँ मैं लैंडिंग के वक्त लैंडिंग करने वाला हूँ हॉट ड्रॉप, जहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमीज आते हैं, तो देखते हैं कैसे FPS को स्टेबल रख पाता है ये। अगर आप मेरी तरह 100% ओरिजिनल मोबाइल बाय करना चाहते हो तो आप जी मोबाइल मॉल से रब्ता कर सकते हो, जिनकी शॉप खानेवाल में अयूब चौक में। तो यहाँ जहाज से हमने जंप कर दिया और आप देख सकते हैं कि 90 FPS पर डिवाइस चली और FPS कितने डाउन कर रहा है, 67, 55 तक, 51 तक इसके FPS आ गए हुए हैं फ्रेम को रेंडर करते वक्त। तो ये है कि FPS फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिलती है आपको, आप देख सकते हैं कि 30 FPS तक भी आ गए जब फ्रेम रेंडर कर रहा है। नीचे अब उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी लैंडिंग कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं कोई कट इस वजह से नहीं लगा रहा था कि इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस समझ आ सके, और मैं लैंडिंग के वक्त देखना चाहता हूँ कि कोई जिटर तो नहीं आता, अक्सर डिवाइस बहुत बुरा ये देख सकते हैं। अभी इसके FPS मुझे फील हुआ 25 तक चले गए हुए हैं, तो नो डाउट FPS ड्रॉप तो मुझे काफ़ी देखने को मिला है इसमें।
सो यहाँ पे अभी तक तकरीबन मुझे 25 मिनट हो गए हुए थे इरेंगल खेलते हुए, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, अगर मैं उसको सम अप करूँ ना इरेंगल के अंदर, तो ओवरऑल आपको डिसेंट देखने को मिलती है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर पैसे लगा रहे हो ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो इस तरह की परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो सीधी सी बात है। कम से कम आपको 60 FPS तो स्टेबल मिले ना, लेकिन ये 60 FPS से भी नीचे झटका मार जाता था कभी ना कभी। हाँ, अगर आप 60 FPS के ऊपर ही रख के खेल रहे हो फिर ठीक है, लेकिन 90 FPS की वजह से इस डिवाइस को बिल्कुल भी आपने कंसीडर नहीं करना, जो सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप इसी प्राइस में कोई 60 FPS वाला आईफोन ले लोगे, वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ प्रॉपर 60 FPS देगा, तो बाकी प्रेफरेंस आपकी। अगर आपको वन प्लस की ही डिवाइस चाहिए तो नो डाउट कंसीडर कर सकते हो, डिसेंट है लेकिन बेस्ट नहीं है। एंड इरेंगल के बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा लिवेक ज़रूर लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भाई लिवेक का गेम प्ले भी ज़रूर दिखाया करो, तो यहाँ पे भी मैं कट नहीं लगाता और आपको दिखाता हूँ कि लैंडिंग के वक्त ये FPS ड्रॉप कितने करता है। उसके बाद आगे थोड़ा सा आपको खेल के भी दिखा देता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है, उसके बाद हम इसके फाइनल कंक्लूजन एंड बैटरी टाइम की तरफ चलेंगे कि कितनी निकल के आती है। सो यहाँ लिवेक के अंदर मुझे इरेंगल से तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जैसे अभी आपने देखा रश हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसने FPS बहुत ड्रॉप नहीं किया, मुझे कोई लैग जिटर देखने को नहीं मिले, स्टेबल रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी। तो अब आजिए जरा इसके फाइनल कंक्लूजन की तरफ। सो डिटेल गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देखी OnePlus 10 Pro की, नो डाउट बैटरी टाइमिंग ठीक दे जाता है ये फोन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएशन करनी है, कोई HDR पे रिकॉर्डिंग करनी है और आप सोच रहे हो कि हम अच्छे TikTok शॉर्ट वगैरह निकालेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अगर आप 90 FPS पे रख के खेलते हो, तो ये वाला फोन डाउन करता करता अपने FPS इजिली 75, 70, 60 तक भी ले आता है। और जब कभी झटका पड़ता है ना इसे, जब ओवर हीट हुआ होता है, तो ये 45 तक अपने FPS ले जाता है। तो गेमिंग के लिहाज से मैं तो इस फोन को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन फोन्स की जो आ रही है ना, उनके अंदर ग्रीन लाइंस है। हालांकि जो मेरे पास यूनिट था, ये बिल्कुल 10x10 नॉन PDA यूनिट लिया था, ताकि इसके अंदर कोई पैच वाला पंगा भी ना हो, कि इसके अंदर कोई मैंने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की हो। ये 100% एंड्रॉइड 14 पे चल रहा था, कलर OS के लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा था, ऑक्सीजन OS के सॉरी, तो फिर भी इसने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मेरे लिए ये वाली चीज एक बिल्कुल डील ब्रेकिंग है। इससे बेहतर है आप इसी प्राइस में अगर आईफोन 12 भी ले लेना, इसी प्राइस में तो नहीं, इससे काफी कम प्राइस में देखने को मिल जाता है, वो भी गेमिंग में एटलीस्ट इससे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कंप्लीट 60 FPS देता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सभी वीडियोस चैनल पे देखना चाहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।